हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एचडीएसबी। आज मैं आप लोगों को क्लास यूकेजी का मैथ पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वर्टिकल सब्ट्रैक्शन यूजिंग टैली मार्क्स। मतलब जो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, आप सब्ट्रैक्शन का मतलब जानते हैं क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, और उसका साइन भी आप लोग जानते हैं। तो आज हम लोग जो सब्ट्रैक्शन करेंगे वह लंबवत के द्वारा करेंगे। लंबवत का मतलब ये होता है कि कोई दो संख्या है जो ऊपर नीचे लिखी जाती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लंबवत कहते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे, वो भी लाइन के माध्यम से, टैली मार्क्स के माध्यम से हम लोग सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे, जो किस पे रहेगा? वर्टिकल टाइप में रहेगा, मतलब लंबवत पे रहेगा वो हमारा सब्ट्रैक्शन। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्टिकल सब्ट्रैक्शन बता रही हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो अंक लेना पड़ेगा। जैसे कि हमारा दो अंक है 7 माइनस 3। ये माइनस क्या है? सब्ट्रैक्शन साइन है, ठीक है, जो इसको हम लोग क्या कहते हैं? माइनस कहते हैं, और इसका मतलब होता है घटाव करना या घटाना, ठीक है। तो कोई भी दो संख्या इस तरह से ऊपर नीचे लिखी गई हो तो वही हमारा क्या होता है? वर्टिकल होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन रहता तो हमारा वर्टिकल एडिशन होता, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए हमारा क्या है? वर्टिकल सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो किसी भी दो संख्याओं को ऊपर नीचे लिखने पर हमारा क्या होता है? वर्टिकल के रूप में होता है। तो हमने दो संख्याएं ली है 7 माइनस 3, तो हमें क्या करना है? इसका सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि हमें किसका साइन है? माइनस का साइन है, जो सब्ट्रैक्शन का साइन होता है। तो हमें कैसे करना है? यूजिंग टैली मार्क्स, हमें लाइन के माध्यम से क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 7 जो सबसे ऊपर वाला नंबर है, संख्या है, अंक है, उतना लाइन हम लोग क्या करेंगे? खींच लेंगे। तो कितना हमारा, कौन सा अंक है? 7 है, तो हम कितने लाइन खींचेंगे? 7 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन हमने क्या किया यहाँ पे? खींच लिया। अब हम देखेंगे कि नीचे हमारा कौन सा अंक है? नीचे हमारा 3 है। नीचे कौन सा अंक है? नीचे 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 लाइन कट कर देंगे। 1 2 3 हम 3 लाइन क्या कर देंगे? कट कर देंगे। और कट करने के बाद देखेंगे कितने लाइन यहाँ पे बचे हुए हैं, तो उन लाइन को हम लोग काउंट करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलिए हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, तो कितना हो गया? 4 हो गया। 4 बचा ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो 7 में से हम 3 जब घटा दिए तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 7 माइनस 3 हुआ, 7 में से हम 3 घटा दिए तो कितना बचा? 4 बचा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल इसी तरह से है। नेक्स्ट सवाल है आपका 8 माइनस 2, ठीक है, 8 माइनस 2। तो 8 माइनस 2 है, तो हम वही प्रोसेस दोबारा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊपर कौन सा अंक है, तो ऊपर हमारा 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 8 लाइन खींच लेंगे। कितने लाइन खींचेंगे? 8 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन खींच लिया। अब हम नीचे देखेंगे कि कितना, कौन सा अंक है, तो नीचे हमारा 2 है, तो हम क्या करेंगे? 2 लाइन यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। 2 लाइन हम क्या करेंगे? कट कर देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? इसको काउंट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? काउंट करेंगे। 2 लाइन हमने क्या किया? कट कर लिया। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे? जो लाइन बचा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे? काउंट करेंगे। चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन बचा हुआ है ना, तो हम लोग 6 यहाँ पे क्या करेंगे? लिख लेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 8 माइनस 2, 8 में से 2 हमने घटाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ। तो 6 हमारा क्या है? आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का। नेक्स्ट सवाल है 7 माइनस 3, ठीक है, 3 हो गया ना, 7 माइनस 6, ठीक है, 7 माइनस 6 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम 7 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
सेवन लाइन खींच लिया। अब नीचे कौन सा अंक है, नीचे सिक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिक्स लाइन कट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 सिक्स लाइन हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। कितने लाइन बचे, वन लाइन बचा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो 7 - 6 कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, वन बचेगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का, 3 - 3। 3 - 3 हो गया। अब हम 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। अब नीचे कितना लाइन है, 3 है, तो 3 क्या करेंगे हम लोग, 3 कट कर देंगे। तो कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा है, 0 बचा है, तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 - 3 = 0। 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। आपके पास 3 फल है, 3 एप्पल है, आपने तीनों एप्पल खा लिया तो आपके पास एक भी एप्पल नहीं बचेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी है, 3 - 3, 3 में से हम 3 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। इसी तरह से नेक्स्ट सवाल है, 5 - 3। ठीक है, 5 - 3 है, हम क्या करेंगे, 5 लाइन देखेंगे। सबसे पहले ऊपर कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है, तो 5 है। 5 हम क्या करेंगे, लाइन यहाँ पे खींच लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 लाइन खींच लिया। अब हम नीचे देखेंगे कौन सा नंबर है, कौन सा अंक है, 3 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 3 लाइन कट कर देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे जितना लाइन बचा है उतने लाइन को हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। तो कितना लाइन बचा हुआ है, 2 लाइन बचा हुआ है, 1 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप लोगों का है, 6 - 3। ठीक है, 6 में से 3 घटाना हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 लाइन खींच लिया। उसके बाद देखेंगे कि नीचे कौन सा अंक है, तो नीचे हमारा 3 है, हम क्या करेंगे, 3 लाइन कट कर देंगे। तो 3 लाइन कट करने के बाद कितना लाइन शेष रह गया, 3 लाइन शेष रह गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका है 9 - 5। ठीक है, 9 - कितना है, 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 9 लाइन खींचेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ऊपर कौन सा अंक है, तो ऊपर हमारा 9 है, तो हम क्या करेंगे, 9 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 लाइन खींचेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, 9 लाइन खींच लिए। अब हम देखेंगे कि नीचे कौन सा अंक है, नीचे 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 लाइन कट कर देंगे, 1 2 3 4 5। हमने क्या किया, 5 लाइन कट कर दिया। तो कितने लाइन शेष बच गए, कितने लाइन शेष बचे, हम इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो कितना बच गया, 4 बच गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम 9 में से 5 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का, 10 - 6। ठीक है, अब 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लाइन हमने क्या किया, खींच लिया। अब हमारा कौन सा अंक है, 6 है, नीचे कौन सा अंक है, 6 है, हम लोग क्या करेंगे, 6 को 6 लाइन कट कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन हमने कट कर दिया। तो कितना लाइन शेष रह गया, 4 लाइन, 1 2 3 4, 4 लाइन क्या हो गया, बच गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। हमने 10 में से 6 घटाया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। 10 में से 6 घटाया तो कितना प्राप्त हुआ है, 4 प्राप्त हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यह था हमारा वर्टिकल सब्ट्रैक्शन यूजिंग टैली मार्क्स। हमने आज वर्टिकल एडिशन को लाइन के माध्यम से सीखा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस तरह का घटाओ या सब्ट्रैक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग कर भी लेंगे।
थैंक यू।